चिड़ियाघर ने बंदर को पिलाई सिगरेट, कश लगाते ही बच्चे की तस्वीर ने मचा दिया हंगामा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बंदर के एक बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है। इस बच्चे को चिड़ियाघर के लोगों ने सिगरेट पीने के लिए दी। एक कश लगाने के बाद बच्चा पीछे की तरफ लेट गया। जब इस तस्वीर पर हंगामा मचा तब चिड़ियाघर ने सफाई में कहा कि लोगों को सिगरेट न पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बंदर का सिगरेट पीना इसी का हिस्सा है। स्मोकिंग सेहत के लिए खराब होती है। सिगरेट के डिब्बे पर भी स्मोकिंग न करने की वार्निंग दी जाती है, इसके बावजूद लोग स्मोक करते हैं। दुनिया में समय समय पर स्मोकिंग को ना करने को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। हाल ही में चिड़ियाघर ने एंटी स्मोकिंग कैंपेन के तहत बंदर के बच्चे को सिगरेट थमा दी। बच्चा सिगरेट का कश लगाता नजर आया, इसके बाद हंगामा मचा। इस तस्वीर को नॉर्थ चीन में कैद किया गया। बंदर का ये बच्चा हेबेई प्रांत के फेंगशुई वाइल्ड लाइफ पार्क में पैदा हुआ। बच्चे का नाम बेंजीन है। बच्चे की तस्वीर जैसे ही इंटरनेट पर आई वायरल हो गई। लोगों ने इस पर तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जैसे ही बंदर का बच्चा पीछे की तरफ गिरा, लोगों ने देखा तो हालत खराब हुई। लोगों ने बंदर की हालत पर चिंता जताई, कहा कि सिगरेट इंसान के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है तो जानवर कैसे ठीक रहेगा। जब चिड़ियाघर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया गया तो फिर हंगामे के बाद चिड़ियाघर ने कहा कि असल में ये लोगों को सिगरेट ना पीने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कैंपेन का हिस्सा है। इसके तहत इन तस्वीरों और वीडियोस को शेयर किया गया कि लोग देखें कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।